दबाव। हमारे साथ हैं अंजलि जी। अंजलि, किन मुद्दों को लेकर आप यहाँ पर आए हुए हैं? देखिए, सूचना का अधिकार कानून जो है उसको संशोधित करने के लिए सरकार एक पूरी गोपनीय तरीके से बिल को लोकसभा में लाई और उसे पुश करा लोकसभा के थ्रू, राज्यसभा के थ्रू, और अब वो प्रेसिडेंट की उसको अनुमति मिल गई है और सूचना के अधिकार कानून में संशोधन आ गए हैं। ये संशोधन बिल्कुल ही जनविरोधी हैं, इस कानून को पूरी तरह से कमज़ोर बना देने वाले हैं, क्योंकि इस अगर हम कानून को देखें, ये कानून में लिखा है कि अगर हमें सूचना नहीं मिलती तो लोग जा सकते हैं सूचना आयोग में और सूचना आयोग डायरेक्ट कर सकते हैं सरकारों को कि आप सूचना दीजिए, चाहे सरकार सूचना ना देना चाहे, क्योंकि लोग मांग रहे हैं सूचना, राफेल के बारे में मांग रहे हैं, प्रधानमंत्री की डिग्री के बारे में मांग रहे हैं, घोटालों के उजागर करने के बारे में मांग रहे हैं सूचना। तो सरकारें सूचना नहीं देना चाहती, पर आयोग के पास ये ताकत है कि वो सूचना दिलवा सके। तो इस संशोधन बिल में सरकार ने आयुक्तों की सैलरी, वेतन, कार्यकाल और टर्म्स ऑफ सर्विस अपने हाथ में, अपने कंट्रोल में कर लिया है। केंद्र सरकार अब तय करेगी कि उनका कितना वेतन होगा, कितने समय तक वो काम करेंगे। इससे तो डायरेक्टली कंट्रोल जो है कमिश्नर्स के ऊपर सरकार का होगा, और वो कोई भी सूचना देने से घबराएंगे लोगों को कि ऐसी सूचना हो जो केंद्र सरकार नहीं चाहती पहुँचे लोगों तक, वो दे दी तो केंद्र सरकार नाराज़ हो जाएगी और उनके लिए एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। तो ये सीधा सूचना के अधिकार कानून पे प्रहार है। लोग जितने यहाँ पे जमा है, पूरे देश भर में हर साल 60 लाख आरटीआई एप्लीकेशंस लगती हैं, जिसके ज़रिए से लोग अपने राशन, अपने पेंशन, अपने मौलिक अधिकारों के बारे में सूचना लेके अपने अधिकार लेते हैं, साथ ही में अब्यूज़ ऑफ पावर, भ्रष्टाचार को उजागर करते हैं। तो ये जो कानून है, इसको सरकार समझती है कि ये बहुत ही उनके लिए दिक्कत देने वाला है, क्योंकि लोग जब सूचना ले लेते हैं तब वो सरकार को जवाबदेह करते हैं। तो सरकार नहीं चाहती कि लोगों के पास सूचना पहुंचे और ये संशोधन लेकर आई है। और सुप्रीम कोर्ट ने माना है, हम सब मानते हैं कि जब तक हमारे पास सूचना नहीं है, हमारे पास अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं है, बोलने की आज़ादी नहीं है। जानेंगे नहीं तो बोलेंगे क्या? तो इसीलिए ये जो है कानून के अंदर संशोधन, ये सीधा तरह से हम मानते हैं कि लोगों की फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन के ऊपर ये जो सरकार है इसका प्रहार है, ये लोकतंत्र पे प्रहार है। क्या कारण है अंजलि जी, जो काम विपक्षी लोगों को करना चाहिए वो काम आप जैसे एनजीओस कर रहे हैं? देखिए, ये जो सारे लोग हैं इस देश के, उन्होंने ही इस कानून को मांगा था, उन्हीं के प्रयासों से ये कानून आया। किसी सरकार ने अपनी खुशी से ये कानून नहीं दिया था। और लगातार जब इस पर प्रहार होता है तो लोग हर बार खड़े होते हैं, क्योंकि वो इसकी ताकत समझते हैं, किस तरह से सूचना का अधिकार लोगों को सशक्त करता है, ये ताकत लोग समझते हैं। और इसीलिए लोग पहले भी सड़कों पर उतरे हैं जब इस कानून पर प्रहार हुआ है, और अब भी उतरे हैं। अब जबकि ये संशोधन बिल पास हो गया है, कानून बन गया है, तो आज लोग यहाँ पर मिल के इसे कंडेम कर रहे हैं, इसे नकार रहे हैं, और यहाँ पर लोगों ने बिल भी जलाया ये दिखाने के लिए कि वो नहीं चाहते कि सरकार इस तरह से संशोधन लाकर उनके सूचना के अधिकार से, उनके लोकतंत्र से खिलवाड़ करे। अंजलि जी, मेरा सवाल ये था कि जो काम विपक्ष की पार्टियों को करना चाहिए वो काम एनजीओस कर रहे हैं। देखिए, विपक्ष की पार्टियां जो हैं, नंबर इतने कम है लोकसभा में कि एनडीए सरकार ने, एनडीए की पार्टियों ने मिलके, कुछ एमपीस ने बोला भी तो उसके ऊपर उन्होंने कोई नज़रअंदाज कर दिया और उसके ऊपर कुछ नहीं करा, लोकसभा में पास हो गया। राज्यसभा में 15 पार्टियों ने, विपक्षी दलों ने खड़े होकर साइन करा कि हम चाहते हैं कि इस बिल को सिलेक्ट कमेटी में भेजा जाए, इसके ऊपर बातचीत होनी चाहिए है, इसके ऊपर अच्छे से सोच विचार होना चाहिए है। लेकिन न जाने क्या प्रेशर आया पार्टियों के ऊपर, उनमें से 3 पार्टियों ने अपना नाम विड्रॉ कर लिया। तो ये तो समझ में आ रही है कि रूलिंग पार्टी जो है शायद इन पार्टियों के ऊपर दबाव बना पा रही है, और विपक्षी दल भी पीछे हट रहे हैं, वो जाने दे रहे हैं लोगों के इस अधिकार। उसकी सैकड़ों की तादाद पे धरने प्रदर्शन होते हैं, लेकिन वो सारी फाइलें एक साइड हो जाती हैं। आपको क्या लगता है कि आपकी जो मुहिम है कहाँ तक रंग लाएगी? देखिए, ये मुहिम ऐसी है जो कि लोगों के बीच से पैदा हुई, और लोग इसको लगातार चलाते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि सूचना के अधिकार का उनके लिए क्या महत्व है। इसलिए हमें नहीं लगता कि हम इसको इस तरह से आंकलन करेंगे कि अभी कितनी जीत हुई कितनी हार हुई। लोगों का उत्साह कोई कम नहीं होने वाला, वो सूचना के अधिकार कानून में अर्जियां लगाते रहेंगे, सूचना लेते रहेंगे, सरकार को जवाबदेह बनाते रहेंगे। क्या कारण है कि स्ट्रीम मीडिया, जो बड़ा मीडिया है, वो भी इस पे बिल्कुल नहीं दिखा?
दिखा रहा है? देखिए, ये तो सवाल है और मेनस्ट्रीम मीडिया को भी ये समझना होगा कि ये केवल लोगों के अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात नहीं है, ये मीडिया भी इसको इस्तेमाल करता है सरकार से सूचनाएं निकलवाने के लिए। उनके अधिकार पर भी एक सीधा प्रहार है, तो आज अगर वो चुप हैं तो उन्हें भी कल पछताना होगा। तो मीडिया को भी ये समझना होगा, ऐसी मीडिया को, कुछ मीडिया ज़रूर साथ खड़ी है लोगों के, लेकिन ऐसी मीडिया जो चुप्पी धारे हुए है, उन्हें ये समझना होगा कि आज लोगों की अभिव्यक्ति की आज़ादी पर प्रहार है, कल मीडिया को भी बोलने नहीं दिया जाएगा। हम देख भी रहे हैं उन पे प्रेशर है और ये प्रेशर और बढ़ेगा। आगामी योजना क्या रहेगी अगर आपकी मांगों को नहीं माना जाएगा? देखिए, आगे जाते हुए हम तो सूचना के अधिकार कानून में और भी अर्जियां लगाएंगे। जो सरकार सूचनाएं छुपाना चाहती है, वो चाहे उनाव के रेप के केस में हो, चाहे रफाइल की डील के बारे में हो, चाहे प्रधानमंत्री की डिग्री के बारे में हो, सारी सूचनाएं जो सरकार छुपाना चाहती है, वो सूचनाएं लोग मांगेंगे और आगे जाते हुए भी मांगते रहेंगे। साथ ही में लोग सूचना मांगने के अलावा अगर कुछ भी कोर्ट कचहरियों में हो सकता है वो भी करेंगे। एंड फाइनली जो आयोग हैं उनके ऊपर निगरानी रखेंगे कि आप सरकार की कठपुतली ना बनके काम करें, आपका जो काम है उसे सही से करें। हमारी चैनल से बात करें, इसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।